हेलो फ्रेंड्स, अर्थज्ञान हिंदी चैनल पर इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर की सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें। तो चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांस्य से निर्मित एक नर्तकी की मूर्ति मिली है? आपके ऑप्शन ए कोटदीजी, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी राखीगढ़ी। तो इसका सही आंसर है सी मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर तीन भागों में बंटा हुआ था? आपके ऑप्शन ए कालीबंगा, बी धोलावीरा, सी राखीगढ़ी, डी रोपड़। तो इसका सही आंसर है बी धोलावीरा। अगला सवाल है, सूची एक को सूची दो से मिलाकर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में हड़प्पा स्थल दिए हैं जबकि सूची दो में नदियां दी हैं। सूची एक में मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा और लोथल दिया है जबकि सूची दो में भोगवा नदी, रावी नदी, गग्गर नदी और सिंधु नदी दी है। तो इस सवाल में एक नंबर सही है, यानी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा गग्गर नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे और लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मिली है? आपके ऑप्शन ए लोथल, बी राखीगढ़ी, सी मोहनजोदड़ो, डी रोपड़। तो इसका सही आंसर है सी मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी से बने बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? आपके ऑप्शन ए हरा, बी नीला, सी पीला, डी लाल। तो इसका सही आंसर है डी लाल। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया सभ्यता से मिले साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जानते थे? आपके ऑप्शन ए मगन, बी भेलका, सी मेलुआ, डी दिलमुन। तो इसका सही आंसर है सी मेलुहा। अगला सवाल है, सूची एक को सूची दो से मिलाकर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में हड़प्पा स्थल दिए हैं जबकि सूची दो में इनकी वर्तमान स्थिति दी है। सूची एक में कोटदीजी, राखीगढ़ी, रंगपुर और कालीबंगा दिया है जबकि सूची दो में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और सिंध दिया है। तो इस सवाल में एक नंबर सही है, यानी कोटदीजी सिंध पाकिस्तान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में, रंगपुर गुजरात में और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्टेडियम के अवशेष मिले हैं? आपके ऑप्शन ए कालीबंगा, बी धोलावीरा, सी रोपड़, डी राखीगढ़ी। तो इसका सही आंसर है बी धोलावीरा। अगला सवाल है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए कोटदीजी, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर है डी मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शन ए सुतकांगेडोर, बी मांडा, सी आलमगीरपुर, डी देमाबाद। तो इसका सही आंसर है बी मांडा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु सुतकांगेडोर, सबसे उत्तरी बिंदु मांडा, सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर और सबसे दक्षिणी बिंदु देमाबाद है। अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन ए हिसार, बी हनुमानगढ़, सी कच्छ, डी रामपुर। तो इसका सही आंसर है हिसार, यानी हरियाणा में। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन ए हड़प्पा से प्राप्त हुई एक मृण मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाया गया है, बी व्यापार वाणिज्य में प्रयोग होने वाली सांकेतिक मुद्रा भारी मात्रा में प्राप्त हुई है, सी यहाँ से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, डी लिंग पूजा की शुरुआत इसी काल से शुरू हुई थी। तो इसका सही आंसर है बी यहाँ से किसी भी प्रकार की सांकेतिक मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार वाणिज्य के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली उपयोग में ली जाती थी। अगला सवाल है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में चोलिस्तान किस क्षेत्र के लिए प्रयोग में लाया जाता है? आपके ऑप्शन ए बलूचिस्तान, बी पाकिस्तानी रेगिस्तानी क्षेत्र, सी गुजरात, डी सिंधु रावी संगम क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है बी पाकिस्तानी रेगिस्तानी क्षेत्र। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी विशेषता हड़प्पा सभ्यता की नहीं है? आपके ऑप्शन ए नगर नियोजन की ग्रिड पद्धति, बी मंदिर निर्माण, सी भावचित्रात्मक लिपि, डी उत्तम जल निकास प्रणाली। तो इसका सही आंसर है बी मंदिर निर्माण। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सूची एक और सूची दो को मिलाकर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में आयातित वस्तुएं दी हैं जबकि सूची दो में इनके स्थान दिए हैं। सूची एक में सोना, टिन,
गोमेद और तांबा दिया है, जबकि सूची दो में कर्नाटक, ईरान, गुजरात और राजस्थान दिया है। तो इस सवाल में दो नंबर सही है, यानी हड़प्पा सभ्यता में सोना कर्नाटक से, टिन ईरान से, गोमेद गुजरात से और तांबा राजस्थान से मंगाया जाता था। अगला सवाल है, निम्न में से किस व्यक्ति के मत के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का उद्भव राजस्थान की सोती संस्कृति से हुआ था? आपके ऑप्शन ए एम रफीक मुगल, बी मार्टिमर व्हीलर, सी अमलानंद घोष, डी मार्शल। तो इसका सही आंसर है सी अमलानंद घोष। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच कितनी दूरी है? आपके ऑप्शन ए 560 किलोमीटर, बी 329 किलोमीटर, सी 946 किलोमीटर, डी 483 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है डी 483 किलोमीटर। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का रोपण स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन ए सतलज, बी घग्गर, सी भोगवा, डी रावी। तो इसका सही आंसर है ए सतलज। अगला सवाल है, सूची एक को सूची दो से मिलाकर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में हड़प्पा स्थल दिए हैं, जबकि सूची दो में नदियां दी हैं। सूची एक में बनावली, रंगपुर, आलमगीरपुर और चनुदड़ो दिया है, जबकि सूची दो में सिंधु, हिंडन, भादर और सरस्वती दी है। तो इस सवाल में एक नंबर सही है, यानी बनावली सरस्वती नदी के किनारे, रंगपुर भादर नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे और चनुदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है, सूची एक और सूची दो से मिलाकर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में हड़प्पा स्थल और सूची दो में जिले दिए हैं। सूची एक में धोलावीरा, बनावली, आलमगीरपुर और कालीबंगा दिया है, जबकि सूची दो में कच्छ, फतेहाबाद, मेरठ और हनुमानगढ़ दिया है। तो इस सवाल में दो नंबर सही है, यानी धोलावीरा कच्छ गुजरात में, बनावली फतेहाबाद हरियाणा में, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में और कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में है। तो आज का वीडियो इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।